चाहे मिट्टी की तरह है, उसको कुम्हार की तरह शेप करने में वक्त लगता है। आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? मैं जानना चाहता हूं कि कंपल्शन क्या है। यदि पेंशन बढ़ाने का प्रयत्न है तो पेंशन जो एमपी लोग जो हैं, जो एक टाइम एमपी बन के जो पेंशन लेते हैं उनका पेंशन काटिए, उनके जो प्रिविलेजेस है वो काटिए। देखिए, आर्मी का एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, टाइम टेस्टेड स्ट्रक्चर है, उसको टिंकर करना ठीक नहीं होगा। इतना पैसा खर्च करेंगे, एक सेकेंड, इतना पैसा हम खर्च करेंगे 4 साल के लिए और आप फिर बाहर चला जाएगा, और व्हाट यूज? हमने पैसा खर्च कर दिया, वो हमारे एम्बिट से निकल गया, खाली 25% रिटर्न करेंगे। तो जनपुरी का जो ये सब पॉइंट्स है, मुझे इसमें दम नज़र नहीं आता। मेरा ख्याल है ये फैसला सही नहीं है, आर्मी के हित में नहीं है। आर्मी के हित में एकदम नहीं है तो आप ये कह रहे हैं कि देश के हित में भी नहीं है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उन पर ना सिर्फ हम फक्र करते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना, उन्हें और सुदृढ़ करना, उन्हें और मजबूत करना ये किसी भी राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है। जनरल सिवाच, आप जनरल सिन्हा से अग्री करते हैं, जो दूसरे आर्मी के जनरल्स हैं वो भी इसे लेकर अपने कंसर्न्स, चिंताएं जाहिर करते आए हैं। एक बार फिर से अपना सवाल दोहराते हुए, आर्मी के लिए इस डिसीजन का क्या मतलब है? बिल्कुल, देखो मैं तो ये कह रहा हूँ जो जनरल सिन्हा साहब ने बोला है बिल्कुल ठीक बोला है, और मैंने इसके ऊपर बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है। मैंने कहा कि बहुत बड़ी गलती है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो दो बातें गवर्नमेंट चाहता है करना, क्योंकि मांग है आज की तारीख में डिफेंस बजट के अंदर पेंशन और पे बहुत ज़्यादा है, तो पेंशन को कम करने के लिए वो ये एक अग्निपथ जो स्कीम लाए हैं, और दूसरा वो यंग प्रोफाइल करना चाहते हैं, क्योंकि ये 4 साल के बाद चले जाएंगे तो प्रोफाइल जो है वो जो अभी 27-28 साल की एवरेज है वो घट के 22-23 साल आ जाए। मगर आप समझते हैं कि 4 साल के अंदर कोई जवान बन सकता है? वो जैसे ही भर्ती होगा वो सोचेगा आगे क्या होगा मेरा 4 साल के बाद, और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो 3.5 साल काम कैसे कर सकता है? एक आर्मी बहुत टेक्निकल आर्म है, 6 महीने की ट्रेनिंग के अंदर उसको इस्तेमाल करना, क्या उसके अंदर वही स्पेशलिटी कोर होगा जैसे एक नौजवान के पास होता है? क्या वो देश के लिए अपनी जान की हथेली पे रख देगा? क्योंकि उसको तो फिक्र है 4 साल के बाद मेरा क्या होगा, और 4 साल जब हो जाते हैं उसको कौन लेगा? मैं एक सच्चाई है, मैं हेड ऑफ टेरिटोरियल आर्मी रह चुका हूं, और मुझे पता है कि जो लोग 2 महीने के लिए आते हैं वो 10 साल कुछ नहीं करते, वो खाली घूमते हैं, और वो एक सिक्योरिटी रिस्क है, वो एक काम करेंगे तो उनको मिलेगी जॉब कोई गार्ड की या सिक्योरिटी की, या उनको आपको जो जॉब है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं लेगा। तो ये माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चिंता और बहुत ही सीरियस गंभीर सवाल है इस वक्त, रक्षा मंत्री सवालों के जवाब दे रहे हैं, सुनते हैं। A lot of veterans have pointed out is that this Agnipath scheme or the All India All Class recruitment model will strike at the very foundation of the regimentation system, which is time tested and has worked very well for us. So do you see any kind of issues related to morale, cohesion or discipline with the introduction of these schemes? Right, let me start by mentioning that Indian Army is largely all India, all class. Even today, 75% of our units already have an all India, all class composition. A limited number of units are based on class composition. Also, I must mention that the regimental system and तो उसे लगातार स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और जो एक बड़ा कंसर्न जो मैं आर्टिकल्स पढ़ रही थी लेफ्टिनेंट जनरल विजय ओबेरॉय के और लेफ्टिनेंट जनरल पी आर शंकर के, उसमें एक बड़ा कंसर्न ये है कि जो मौजूदा एग्जिस्टिंग सिस्टम है आर्मी का, बाय गेटिंग दीज रिक्रूट्स आप और प्रेशर जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं उन पर क्रिएट करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखो आदित्य, मैंने भी इसके ऊपर बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है, मैं आपके पास भेजूंगा। ये सच्चाई बात है कि जो आपने रूस और यूक्रेन की लड़ाई देखी है उसके अंदर जो रूस के अंदर जो कंस्पिरेशन सोल्जर थे जो 3-4 साल के लिए आते हैं वो लड़ाई अच्छी नहीं लड़ पाए, और ये एक बड़ा धक्का था रूस के लिए। जो चीज फेल हो चुकी है आप उसको लेने की कोशिश भारत में करें। भारत एक ऐसा देश है जहां स्टैंडिंग आर्मी की जरूरत है। आपके पास 2 बड़े दुश्मन हैं आज, आपके पास चीन और पाकिस्तान
लड़ाई जैसी हालात है दोनों बॉर्डर पे, और आप एक ऐसा फॉर्मूला ले आए हो चार साल के लिए, वो कभी ट्रेन नहीं कर पाएगा। जब तक वो ट्रेन होगा वो यहाँ से निकल जाएगा, और वो हरदम सोचेगा मेरा क्या होगा चार साल के बाद, वो एक प्रकार से इनसिक्योर फील करेगा। क्या हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन चार सालों में ऐसा ही काम एक जो रेगुलर सोल्जर करता है? वो बहुत डाउटफुल है। और जो टेक्निकल आर्म है वो तो चार साल की ट्रेनिंग करते हैं शुरू में, तो वो तो ट्रेनिंग ही करता रहेगा, और क्या वो जाके बाहर उसको जॉब मिलेगी? मुझे बहुत बड़ी डाउट है। मैं कहता हूं गवर्नमेंट को सोचना चाहिए वो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में उनकी लेटरल इंडक्शन क्यों नहीं करते। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। दो बातें, एक तो अगर वो जाते हैं सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में तो इनको जॉब मिलेगी, मोटिवेटेड रहेंगे। दूसरा, सीएपीएफ को ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ट्रेन सोल्जर मिलेगा। तो देखो बहुत फायदा होता अगर इस स्कीम को थोड़ा सा चेंज करके लाते। जिस प्रकार से ये सोच रहे हैं कि हम पेंशन बचाएंगे या यंग प्रोफाइल करेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये कार्रवाई ठीक हो पाएगी। और अगर ये आते हैं जो बात करें टेक्निकल आर्म आएगी उसके अंदर नए वेपन सिस्टम, वो तो अभी भी है, बल्कि नुकसान होगा, क्योंकि जो आदमी चार महीने साल के लिए आ रहा है उसका ना तो इतना मोटिवेशन है, उसको डर है आगे मेरा क्या होगा, और चार साल बहुत कम है ट्रेनिंग के लिए, जो ट्रेंड होगा वो चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप जो पॉइंट यहाँ पर उठा रहे हैं कि कितना ही आप मॉडर्न इक्विपमेंट मॉडर्न